सर दिस इज़ कंपनी थैंक यू सो मच ओके तो ये मिलन से गिफ्ट आया है चलें जी देखते हैं क्या चीज़ है चलें जी इस गिफ्ट को देखते हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा बड़ा सा मिलन लिखा हुआ है और मिलन के साथ नाइनटीन 19, एटीन 1918 नाइनटीन एटीन काफ़ी लंबा अर्सा है और ये कैप्सूल लिखा हुआ है चलें जी आराम से इसको आप ओपन करते हैं तो उससे पर पहले देख लें कि ये पूरी किट मिलती है और उसमें ये पूरा पैकेज होता है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इट्स नॉट फॉर सेल तो ऑबली इट्स गिफ्ट फॉर मी ऐसा ही है खैर जो भी आगे बढ़ते हैं और इसको आराम से खोलते हैं और ये लेने की गिफ्ट निकल के बाहर आ गया इन तीन फॉर्म में होता है और इस टाइम मेरे पास ग्रीन विद सिल्वर मौजूद है नाम इसका जी मिलन कैप्सूल सिल्वर जस्ट अ मिनट में इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ चलें जी ये हो गया ओपन और देखिए बहुत प्यारा हैंडी हार्ड प्लास्टिक के साथ अच्छे क्लिक मैकेनिज्म के साथ बहुत यार रिलैक्सिंग क्लिक मैकेनिज्म है और सिल्वर बॉडी आपके देख रहे होंगे और उसके साथ ये मिलन सिल्वर मैंने आपको बता दिया और लाइट वेट और हार्ड प्लास्टिक के साथ है अब रिफ़िल की बात करते हैं रिफ़िल इसकी ठीक है स्टैंडर्ड रफ़िल है जो कि बॉल पॉइंट्स में होती है बॉडी के खिलाड़ से बड़ी लग रही थी लेकिन नॉर्मल है लेकिन नाम पता नहीं आप यहाँ देख सकेंगे क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी होने जा रही है चलिए इसको रेडी करते हैं लिखने के लिए अब राइटिंग की बात करें तो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा कुछ सेंटेंस और आप देखें तो ल, आ, राइटिंग इसकी स्टार्टिंग में देर इज़ नो ऑल आगे भी स्किप नहीं आता और लो इंक भी है लेकिन स्टिल नॉट दैट लो इसकास्टिंग इसकी हम जिक्र करते हैं लाइक जेट स्ट्रीम और पायलट का एक्रोबॉल सो उस तरह तो नहीं है लेकिन अब राइटिंग देखें तो डार्क हैड इट्स काइंड ऑफ पिगमेंटेड और काफ़ी इसका डार्क इम्प्रेशन है तो राइटिंग अच्छी है ओवरऑल स्पीड की बात की जाए तो मैं स्पीड में इसको गुड स्टार्ज देने वाला हूँ थोड़ी सी के लिए के काबिल है ये ठीक है तो स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि लो स्किंक है और स्मूदनेस की बात की जाए तो स्मूदनस बहुत ज़बरदस्त है स्मूद तो बहुत ही ज़्यादा है ना बॉल पॉइंट्स के लिहाज से आम बॉल पॉइंट्स से बहुत ज़्यादा स्मूद है स्किप नहीं करता देखो ये कमाल की क्वालिटी है और स्मियर की बात की जाए तो स्मियर में पहले ड्राई स्मच करें या ड्राई स्मज करें या ड्राई स्मियर कहें तो नहीं करता फ़ास्ट जाएंगे लिटरली फ़ास्ट जाएँगे और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आगे मैं आपको बताऊँगा तो आपको पता चलेगा बाकी देखें ऑयल बेस्ड है तो इट्स वाटर प्रूफ ये कन्फर्म बात है जो ऑयल बेस्ड होती जितनी भी इंक है बॉल पैंट्स की वो वाटर प्रूफ ही होती हैं बहुत कम ही हैं वायर क्यों, है। क्यों है वाटर प्रूफ क्यों नहीं है खैर वाला वलम अब बात की जाए तो ब्लाउच की ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब ब्लाउच नहीं होते तो ब्लाउच ना बनने की वजह से ही स्मज नहीं करता तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं देखिए पैसा है तो फिर क्वालिटीज़ भी हैं तो और प्राइस देखी जाए तो पी के आर थ्री फोर्टी फाइव टू थ्री फोर हंड्रेड में पड़ता है तो प्राइस इसके लिहाज से प्राइस टैक थोड़ा सा हाई है इससे कम क्वालिटी में थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हमें बॉल पॉइंट मिल जाते हैं लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये आपको पता है कि यूरोपियन ब्रांड्स ज़रा महंगे होते हैं उनकी नॉर्मल क्वालिटी ही काफ़ी ऊपर से स्टार्ट होती है तो इस प्राइस में और एक यूरोपियन ब्रांड हमें मिल रहा है मिलन मेड इन इटली है तो शायद मैंने आपको में शायद ना बताया हो तो उस लिहाज से ठीक है अच्छा पेन है और आप लोग इसे ले सकते हैं लेकिन इससे नीचे भी अच्छे पेंस मौजूद हैं तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद